नमस्ते छात्र मित्रों, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं, पहली इकाई का 10वां पाठ ठेस, पूरक पठन पर गद्य, रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु। इस पाठ की आधी जानकारी हमने पहले 3 भागों में देखी है। आज इस चौथे भाग में हम आगे की जानकारी देखेंगे। अब तक हमने देखा था, सिरचंद लेखक के घर मानू के घर पर देने के लिए चीक वगैरह बनवा रहा था, परंतु सिरचंद का वहां पर मंजली भाभी तथा उसकी चाची जो अपमान करती है, तो वह गुस्सा होकर वहां से अधूरा काम छोड़कर चला जाता है। आगे देखिए, मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए, यानी कि चीक की शुरुआत में जो खूबसूरत सतरंगे तारे उसने बनवाए थे, तो जैसे वह तारे मंद पड़ गए, काम अधूरा रह गया ऐसा लगता था। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। अब वह काम तो होने से रहा था, तो माँ अपनी बेटी को मानू को समझाते हुए कहती है कि जी छोटा मत कर, मेले से दूसरी चीक खरीद कर उसे भिजवा देगी। मैं सिरचंद को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, मेरे बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता? यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, इसी शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। देखिए, यहाँ पर सिरचंद के दिल को जो ठोकर लगी थी, जो ठेस लगी थी, वह दिखाई देती है। उसके स्वाभिमान को ठेस लगी थी। वह अपने घर पर जाकर चटाई पर सो जाता है, और जब लेखक उसे बुलाने जाते हैं, तब लेखक से वह विनती करते हुए बोलता है कि कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। भले ही मोहर छाप वाली धोती आप मुझे देते, लेकिन मैं करूँगा क्या वह लेकर, कौन पहनेगा? ससुरे खुद मरी, यानी कि वह अपनी पत्नी की बात करता है कि वह मर चुकी है, और साथ ही उसके बेटी बेटियों को भी ले गई है, यानी कि उसके बच्चे भी जिंदा नहीं थे, उसकी पत्नी भी मर गई थी, और इसलिए वह कहता है कि मैं अकेला हूँ, इसलिए ऐसी दुर्दशा भोगता हूँ, इसलिए लोग मेरी तरफ इतनी गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। यह शीतल पाटी उसी की बनी हुई है, जिस चटाई पर, जिस शीतल पाटी पर वह लेटा हुआ था, वह भी उसकी बीवी नहीं बुनी हुई थी। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। वह इतना उदास हो जाता है कि वह कहता है अपनी बीवी की बनाई हुई शीतल पाटी की कसम खाकर कि अब वह यह काम नहीं करेगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? वह कहता है कि गांव भर में कहीं नहीं, लेकिन तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, मेरी इज्जत होती थी, पर अब क्या? यानी कि आज जो उसका अपमान हुआ था, उसे संबोधित करते हुए वह सवाल पूछता है कि अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। लेखक को यह बात समझते देर नहीं लगी कि कलाकार सिरचंद, उसके दिल में ठेस लगी है, ठोकर लगी है, उसके स्वाभिमान को ठेस लगी है, वह नहीं आएगा। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी, यह भी भेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू? देखिए, बड़ी भाभी क्या करती है, तो जो अधूरी चीख सिरचंद छोड़कर गया था, तो उसे रंगीन छीट का झालर, एक लहरदार किनारा जो होता है, झालर होती है, वह लगाने लगी थी। मानू कुछ नहीं बोली, बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी, तो लेखक को भी गुस्सा आया था, और उसने अपने गुस्सा दिखाते हुए कहा था चाची और मजली भाभी के बारे में कि चाची और मजली भाभी की नजर इस अधूरी चीक को न लग जाए। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानू बड़े जतन से अधूरी चीक को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। जो अधूरी चीक छोड़ी थी सिरचंद ने, वह चीक को भी मानू बड़ी संभाल कर लेकर जा रही थी, क्योंकि मानू के घर वाले ने, आदमी ने, पति ने कहा, कहकर ही भेजा था कि वह अपने साथ ऐसा सामान लाएगी। मन ही मन सिरचंद पर गुस्सा हो गया, तो लेखक को बड़ा बुरा लगा अपनी बहन के बारे में, क्योंकि उसे दिखाई दे रहा था उसकी बहन की बेबसी, तो अपनी बहन के बारे में सोचते ही उसे सिरचंद पर भी गुस्सा हो आया।
चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। तो ऐसे वक्त में वह गुस्सा हो गया और चाची के सुर में सुर मिलाकर यानी कि उसे भी सिरचन को कोसने का जी हुआ। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर लेखक दरवाजा बंद ही कर रहे थे कि उसे प्लेटफॉर्म पर दौड़ता हुआ सिरचन नजर आया। सिरचन ने उसे आवाज दी, बबुआ जी क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। लेखक जरा से गुस्सा थे उससे। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा तो सिरचन के पीठ पर एक बोझ था। वह उतारकर उसने लेखक की तरफ देखा और कहा, दौड़ता आया हूं, दरवाजा खोलिए, मानू दीदी कहा है, एक बार देखूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीजें है दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। देखिए, सिरचन को देखते ही मानू इतना ही बोल सकी थी, उसका नाम लिया था उसने। और खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए यानी कि उसकी आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही थी तो बिखरी आवाज में वह बोला कि शीतल पाटी, चीक, एक जोड़ी आसनी कुश की उसने खुद से बनवाकर दी है उसे। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। इतना अपमान उसका हुआ था सिरचन का कि उसने वह पैसे लेने से इनकार कर दिया। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। बिना कोई दाम लिए, बिना कोई काम का दाम लिए सिरचन ने खुद वह सब चीजें अपनी ओर से बनाकर मानू को दी थी। और इतना खूबसूरत काम था कि पहली बार लेखक ने ऐसा काम देखा था। यह कहानी फणीश्वर राज त्रिनु की संपूर्ण कहानियों से ली गई है। एक कलाकार, एक कारीगर, उसका आत्मसम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी बात होती है। कभी अगर उसे ठोकर लगे, कभी उसे ठेस लगे, तब वह टूट जाता है। कुछ ऐसी ही हालत सिरचन की इस पाठ में दिखाई दी है। यही बात लेखक ने बताने की इस पाठ के जरिए कोशिश की है। लेखक ने इस पाठ में इस कहानी का उद्देश्य यह बताया है कि एक ग्रामीण कलाकार के स्वाभिमान और आत्मगौरव को प्रकट करना है। कलाकार दूसरों से सम्मान प्राप्त करने का आकांक्षी होता है। उसे दूसरों से दाम मिले न मिले, लेकिन सम्मान बेहद जरूरी होता है। छात्र मित्रों, यही पर यह पाठ हमारा खत्म होता है। कृति स्वाध्याय के जो प्रश्न दिए गए हैं वह अपनी हिंदी की नोटबुक में जरूर लिखिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।